अमीर गरीब सुख दुख आग पानी आकाश पताल हर चीज का एक अपोजिट वर्ड होता है। आप पढ़े हो, हम भी पढ़े हैं। तो अमीर बनने का रहस्य क्या है और अमीर लोग कैसे बनते हैं, आज हम आपको बताएंगे कि आप अमीर बनना चाहते हो क्या? बोलो, कौन कौन है जो अमीर बनना चाहता है? हाथ उठाइए, हाथ ऊपर करिए। कौन कौन अमीर बनना चाहता है? आप बनना चाहते हो? तो अमीर बनने का रहस्य क्या है, लोग अमीर कैसे बनते हैं? तो अमीर बनने का रहस्य है कि उनके अंदर जो है कम्युनिकेशन जो है स्किल होना चाहिए। फर्स्ट उनके अंदर कम्युनिकेशन स्किल होना चाहिए, बात करने का तरीका होना चाहिए। दूसरा क्या है, उनके अंदर एक सिंपैथी होना चाहिए, किसी के सुख दुख में शरीक होना। तीसरा क्या है, उनके अंदर एक पेशेंस होना चाहिए। चलिए हम एक आपको कहानी बताना चाहता हूं। एक इंसान था, विदेश गया था, और एक ज्योतिषी भी विदेश गया था कि हम अपने ज्योतिषी को अपने ज्ञान को बेचेंगे। और वो आदमी कमा करके आ रहा था, क्या करके आ रहा था, पैसे कमा के आ रहा था। भाई चाहे दोनों एक ही फ्लाइट में बैठे थे, ठीक है, ध्यान दो, मेरा वीडियो पर ध्यान दो, वीडियो बनाने टाइम जो बोलता है उसके ओठों पे आंख होना चाहिए, तो आपको जो बोलता है आपका माइंड में जाके कनेक्ट होता है, आपके दिमाग में अमृत की तरह जाके फैलता है। नहीं तो हम जब कॉन्सेंट्रेशन नहीं रखते, बोलने वाले की तरफ ध्यान नहीं देते, तो चीज आप कमाल दूसरे डाइवर्ट होता है। तो ये भी एक चीज है कि अमीर जो लोग होते हैं वो बोलते कम है, सुनते ज्यादा है, और हर ज्ञानी लोग जो होते हैं वो बोलते कम है, सुनते ज्यादा है। आप ज्यादा बोलोगे तो सुनोगे क्या, और ज्यादा सुनोगे तभी तो आपका स्टोरेज बढ़ेगा। तो अमीर लोग क्या करते हैं, गरीब लोग ज्यादा बोलते हैं और अमीर लोग कम बोलते हैं, ठीक है। आप कहीं पर जाओगे किसी से मिलने के लिए, जो गरीब रहेगा अपना ही लगेगा हाकने, मेरा ये है वो है, नहीं भी रहेगा तो, लेकिन अमीर जो रहेगा, रहेगा भी तो कुछ नहीं बोलेगा। तो सुनना बहुत जरूरी है, जो गरीब रहता है वो सुनता ही नहीं, जो अमीर रहता है वो सुनता है। अगर अमीर के पास जाओगे कुछ बोलने के लिए तो बोलेगा, बोलिए क्या बात है, कैसे हो, तो पूरा ध्यान से अपनी बात को सुनेगा। अगर गरीब के पास जाओगे कुछ बात करने के लिए तो थोड़ा एकदम रिएक्ट कर लेगा, होता है ऐसा। तो दोनों आ रहे थे, तो वो पंडित जो ज्ञानी पुरुष था बहुत निराश था, बोला कि मैं गया था विदेश में कि हमारा कोई ज्ञान लेगा, लेकिन कोई ज्ञान लेने के लिए तैयार नहीं है, ठीक है ना। क्या है ज्ञान लेने के लिए, वैष्णवी? तो जैसे हम दोनों बैठे हैं आपस में, तो बोला ठीक है, एक ही सीट पर थे, तो बोला ठीक है, आपका कोई नहीं लिया तो मैं तो विदेश में जाके बहुत पैसे कमाया हूं, मैं विदेश जा करके बहुत पैसे कमा लिया हूं, और कृपा करके आप बताइए कि वो ज्ञान मैं ले लूंगा, ठीक है, वो ज्ञान मैं ले लूंगा। बोला कि एक ज्ञान का एक लाख रुपया है। बोला ठीक है, मैं एक लाख दूध देता हूं। तो ज्ञानी ने बोला ठीक है, बोला कि कोई भी काम में जल्दबाजी मत करना, एक लाख रुपया दे दो। और उसने क्या ज्ञान दिया,
कि कोई भी काम में सोच समझ के डिसीजन लेना, जल्दबाजी मत करना। तो विदेश के कमा क्या रहा यार, ऐसे ही एक शब्द बताया बोल दिया कि कोई भी काम में जल्दबाजी नहीं करना, थोड़ा सोच समझ लेना, और 1,00,000 रुपया ले लिया। तो वो आया तो अपने घर पे नहीं बोला था कि मैं आ रहा हूं, तो उसके घर पे वॉचमैन था, बोला कि तुम अभी बोलना नहीं मेरा वाइफ को कि मैं आया, सडनली आ रहा। अंदर जाता है, डायरेक्ट बेडरूम में चला जाता है, ठीक है। सुबह को 5 बजे बजता है, बिना बोले फ्लाइट से उतरता है, सीधे घर पे जाता है और अपने फैमिली में किसी को इन्फॉर्म नहीं करता कि मैं सरप्राइज दूंगा। जाके देखता है कि मेरी बीबी जो है ना एक लड़के के साथ सोई हुई है, उसकी बीबी जो है एक लड़के के साथ सोई हुई है। तो अगर आप हमारे उसके जगह पर आते तो क्या करते, क्या करते जवाब दो। आपकी ही बीबी एक किसी लड़के के साथ सोई हुई देख रही है तो क्या करते बोलो। आग बबूला हो गया और पिस्टल निकाला मारने के लिए। फिर बोला कि यार वो रास्ते में मिला था जो ज्ञानी था, बोला था कि कोई भी काम में जल्दबाजी मत करना, थोड़ा सोच समझ लेना, क्योंकि जल्दबाजी में कोई भी डिसीजन गलत भी हो सकता है। तो उसको याद आ गया, अरे यार 1,00,000 रुपया तो दिया था मैं उसको आने के टाइम में, और बोला था कोई भी काम जल्दबाजी मत करना। उसको ज्ञान आ जाता है, फिर उसकी आंखें खुलती है, बोलता आज पानी मारता है जा करके बाथरूम में, तो उसकी तब तक बीबी उठ जाती है। अरे अरे हंसती हुई आती है, अरे आप बताएंगे नहीं आ गए क्या। तो फिर जब चादर हटाती है तो देखते हैं कि वो मेरी बेटी है, लड़के की ड्रेस पहन करके सोई है अपनी माँ के साथ, उसकी एक ही बेटी थी, बेटा था ही नहीं। तब उसने सोचा कि यार वो ज्ञानी सही बोला था कि कोई भी काम जल्दबाजी में मत करना। इसको गलतफहमी होता है कि यार मेरी बीवी किसी लड़के के साथ सो रही है, मैं तो विदेश में नौकरी कर रहा हूं, लेकिन वो लड़की मेरे तो एक लड़की ही है ना, तो लड़का कहां से आ गया बेड पे। लेकिन उसकी बीवी ने बोली कि अब मैं अपनी बेटी, एक ही बेटी है, तो मैं लड़का का भी शौक पूरा करती हूँ और लड़की का भी शौक पूरा करती हूँ, तो ज्यादातर इसको लड़के का ही ड्रेस पहना के रखती हूँ, और दोनों साथ में सोते हैं। हस्बैंड बहुत खुश हुआ और अपने इमोशनल पे बहुत कंट्रोल किया और बोला सही में कहीं ज्ञान बढ़ रहा हो कहीं पैसे, तो फर्स्ट हमको क्या करना चाहिए, ज्ञान लेना चाहिए, पैसे के पीछे नहीं जाना चाहिए। इसी के साथ ही वीडियो को विराम देता हूँ, नमस्कार, धन्यवाद।